बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। इस शो में हम आपको आज के बाजार का एक्शन तो बताएंगे ही, साथ ही अब सोमवार के लिए स्ट्रेटजी क्या रहे इस पर भी करेंगे बातचीत। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे जानेंगे सोमवार को बाजार पर क्या रहे विशेष रणनीति। साथ ही आज हमारे साथ है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। और पूरी रिसर्च टीम है, उनका भी परिचय करा देते हैं। आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे हम आज के बाजार का हाल और मार्च तिमाही में कैसे रह सकते हैं कोल इंडिया के नतीजे। देवांशी से समझेंगे मार्क्सन्स फार्मा में तेजी के कारण। वरुण से जानेंगे अगले हफ्ते कौन से 4 आईपीओ खुलेंगे और टीएन पेट्रो पर क्या है जी बिजनेस के एक्सक्लूसिव रिसर्च। लेकिन सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर डाल लेते हैं एक नजर। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में देखिए दमदार तेजी। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। निफ्टी 60 अंक चढ़कर 15,799 पर बंद हुआ, तो वही सेंसेक्स 125 अंकों की बढ़त के साथ 52,475 के नए शिखर पर बंद हुआ। बैंक में दबाव के चलते बैंक निफ्टी करीब 85 अंकों की गिरावट के साथ 35,050 के पास बंद हुआ। FIIs और DIIs के आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज लगभग 19 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं DIIs यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में 666 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में जोरदार रिकॉर्ड बनने की वजह। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों ने बनाया एक जबरदस्त रिकॉर्ड। रिकॉर्ड बनाने की आदत तो निफ्टी की पड़ ही चुकी है पिछले 2 हफ्तों से। निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स सारे दमदार रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन आज के रिकॉर्ड में एक बड़ी खास बात रही, रिकॉर्ड का चौका लगाया। जी हाँ, निफ्टी के साथ सेंसेक्स भी और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग देखी है। सेंसेक्स और निफ्टी ने दिन के दौरान फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तो इंट्राडे रिकॉर्ड भी बने और जहां पर हम बंद हुए वो भी अब तक के सबसे उच्चतम स्तर है। सेंसेक्स में 52,641 का अब नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखा है। वहीं निफ्टी पर 18,835 ये अब इतिहास में दर्ज हो चुका है नए रिकॉर्ड के तौर पर। चौतरफा खरीदारी का माहौल था, बाजार में अच्छी तेजी बनी, क्लोजिंग भी बहुत बेहतरीन होती हुई दिखी। 15,800 के नज़दीक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा और 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ भले ही बंद हुआ लेकिन अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। और ये सब तब हुआ जब ग्लोबल मार्केट से बहुत कोई खास सपोर्ट नहीं था, लेकिन कल के सेशन में FIIs की खरीदारी के आंकड़े, कोरोना के कम होते मामले और बाजार का मजबूत ट्रेंड और हल्के होते हुए ट्रेडर्स, ये सारे ट्रिगर्स थे जिनके दम पर भारतीय बाजारों ने आज फिर से दमदार शुरुआत की। दिन भर मजबूती के साथ कारोबार किया, दिन के दौरान एक हल्का सा छोटा सा डिप मिला लेकिन पहले सपोर्ट लेवल से ही बाजार घूम गए और अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में सेलेक्टिव एक्शन देखने को मिला और आज सेक्टोरल चर्निंग के नाम पर फिर से फार्मा शेयरों में तगड़ी रफ्तार थी और मेटल शेयर आखिरी 1.5-2 घंटे में मजबूत एक्शन के लिए तैयार होते दिखे और ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते मेटल शेयर फिर से आपको दमदार प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल ऐसा मार्केट है जहां पर खरीदारी का मोमेंटम बरकरार है और हर एक डिप पर ट्रेडर्स खरीदारी करने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो ये है आज का भरपूर एक्शन और उम्मीद करते हैं अगले हफ्ते भी इसी तरह का दमदार एक्शन और आगे रहेगा बरकरार। बिल्कुल, तो सोमवार के लिए क्या रहे खास स्ट्रैटेजी, इसी पर अनिल जी से थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। उससे पहले बाजार में आज जो रिकॉर्ड लेवल देखने को मिले, कहां पर था सबसे ज्यादा एक्शन समझते हैं। आशीष चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। आशीष जरा बताएं आज खबरों के दम पर सबसे ज्यादा एक्शन कहां दिखा। देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन निफ्टी और सेंसेक्स ने नया क्लोजिंग हाई बनाया। वहीं निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो दिन भर सुस्त प्रदर्शन देखने को मिला, हल्की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ। लेकिन हर बार की तरह जो स्टॉक्स का एक्शन है वो भरपूर था बाजार में। सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताए। DCB बैंक पर खरीदारी की राय थी, राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर पर देखिए बढ़िया तेजी स्टॉक में देखने को मिली। नोवार्टिस आपको जेन साहब ने बताया था, कल भी स्टॉक के बारे में हमने आपको बताया अच्छी तेजी देखने को मिली, 20% का उछाल स्टॉक में देखने को मिला। कैप्टन पॉइंट एक और स्टॉक है जहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। JSPL पर खरीदारी की राय थी विश्वेश जी ने और E-Clerks ये स्टॉक हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे मैं बताया था, बढ़िया उछाल स्टॉक में देखने को मिला।
सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज रोटेशन जो है फार्मा स्टॉक्स की तरफ देखने को मिला। कुछ दो नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। इसके अलावा मालामाल वीकली वाला स्टॉक मार्क्सन फार्मा, यहां पर गजब की तेजी देखी जा रही है। आरपीजी, लाइफ साइंसेस, फनीशिया बायो और काफी दिनों के बाद एक ब्रेकआउट हुआ अरविंदो फार्मा में। मेटल स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो निश्चित तौर से बढ़िया रिबाउंड देखने को मिला, अच्छे नतीजों का असर देखने को मिला। सेल में हिंदुस्तान कॉपर में बढ़िया तेजी देखने को मिली। तमाम दिग्गज जो स्टील कंपनीज है वहां पर खरीदारी का रुझान देखने को मिला। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, यहां पर खरीदारी देखने को मिली। बैंकिंग में देखिए एक्शन मिक्स था। मैंने आपको बताया कि निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो पूरे दिन सुस्त कारोबार, लगभग लालिशान में कारोबार देखने को मिला। लेकिन ऐसे बाजार में भी कुछ स्टॉक ऐसे थे जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली। मिसाल के तौर पर डीसीबी बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, यहां पर खरीदारी देखने को मिली। और धीरे धीरे अगर आप देखें तो आईटी स्टॉक्स भी अब ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। एलएनटी इंफोटेक, एलएनटी टेक, यहां पर बढ़िया खरीदारी देखने को मिली। और दिग्गज कोफोर्ज और टीसीएस, यहां पर भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। ऑटो स्टॉक्स में रफ्तार फिर नजर आई। अशोक लेलैंड में दिन के दौरान 4.5% तक के मूव्स देखने को मिले। टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। एमएनएम में भी अगर आप देखें तो हरे निशान में क्लोजिंग देखने को मिली। लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक्शन देखिए आज थोड़ा विपरीत देखने को मिला। कल अच्छी तेजी थी, आज यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। कोल्टे पाटिल, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, यहां पर गिरावट देखने को मिली। कैपिटल गुड सेक्टर की बात की जाए तो प्रदर्शन लगातार सुस्त देखने को मिल रहा है। बाजार की तेजी में ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं है। एबीबी, थर्मैक्स और दिग्गज एलएनटी, यहां पर लालिशान में कारोबार देखने को मिला। लेकिन सरकारी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक्शन भरपूर है। कोल इंडिया नतीजों से पहले अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया और बीएल अच्छी खरीदारी के साथ बंद हुए। संदीप जी आपके पास आ रहे हैं। पिछले हफ्ते की तरह ये हफ्ता भी बाजार के लिए रहा शानदार, अंत बेहद ही दमदार हुआ। अब अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे, आज के बाजार पर आपकी राय, और हमेशा की तरह इंट्राडे पिक सोमवार के लिए और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखें? बिल्कुल बहुत सही कहा अनिल जी ने जब शुरुआत में बोला कि आज तो चौका लगा है। निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप सब में ऑल टाइम हाईज और जबरदस्त माहौल बना हुआ है मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त दिख रहा है। देखिए आप एफआईआई, डीआईआई सब ने खरीदी की और वो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन उनका भी दिख रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाला हफ्ता भी तेजी का ही बना रह सकता है। और ये ध्यान रखिए कि यूफोरिया में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। मैं बार बार कह रहा हूं जब भी मैं शोज में आ रहा हूं अभी, और थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक्स भी आज चलने लगे हैं, जैसे कि फार्मा में मैंने आज 3 स्टॉक्स सुबह बताए थे, तीनों ही जबरदस्त, जैसा कि नोवार्टिस था तो सर्किट पे ही था। सो ओवरऑल एफएमसीजी, फार्मा, आईटी आज चला। सो नेक्स्ट वीक आईपीओ की बाहर है। सो ओवरऑल बिल्कुल बने रहें और कॉशियसली बने रहें, और मेरे हिसाब से एक्सुबेरेंस का ध्यान रखें और क्वालिटी का ध्यान रखें। और जो मैं स्टॉक इंट्राडे एफएनओ के पिक के तौर पे नेक्स्ट वीक मंडे के लिए दिया हूं वो है एस्कॉर्ट्स। तो 1219 पे क्लोजिंग थी, 1250 का टारगेट, 1201 का स्टॉप लॉस। कैश मार्केट के तौर पे, क्योंकि आज मैं वैसे ही फार्मा स्टॉक्स में जब हैट्रिक लगी तो आई एम वेरी बुलिश, तो मुझे लगता है कि इपका बहुत बढ़िया करेगा 2090 के टारगेट के लिए और 2030 का स्टॉप लॉस। और LTTS, जैसा कि मैं आईटी स्टॉक्स की भी बात कर रहा था, डिफेंसिव का अगेन अनदर पैक। सो 2873 पे बंद हुआ है, 3050 का और 3090 का पहला और दूसरा टारगेट, और 2750 का स्टॉप लॉस पोजिशनल पिक के तौर पे। ओके, तो तीन पिक्स जो कि संदीप जैन ने दिए हैं एस्कॉर्ट्स में इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पर, वहीं इंट्राडे कैश तौर पर इपका लैब, और पोजिशनल व्यू LTTS में रखने की सलाह संदीप जैन की। आज के खास मेहमान से बातचीत जारी रहेगी, उससे पहले कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी पर भी नजर डालें। मार्क्सन फार्मा, यहां पर जबरदस्त तेजी देखी गई है, तेजी के अहम ट्रिगर्स क्या है और क्या कुछ पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए, जरा समझते हैं। देवांशी हमारे साथ है। देवांशी जरा बताए मार्क्सन फार्मा को लेकर क्या पॉजिटिव खबर है? मार्क्सन फार्मा के स्टॉक में आज ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा, और इस खबर यह है कि 15 जून को कंपनी के बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे इन्वेस्टर्स और साथ ही प्रमोटर्स को वारंट्स इश्यू करने पर यह बोर्ड फैसला लेती हुई दिखेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो दुनिया के दिग्गज प्राइवेट इक्विटी फंड यानी कि सबसे बड़ा हेल्थ केयर जो फंड है ओरिमेड एशिया, ये इसमें हिस्सेदारी खरीदता हुआ दिखेगा। वारंट्स को कन्वर्ट करके करीब 10.5% तक की हिस्सेदारी इस फंड की बनती हुई दिख रही है। 365 करोड़
का टोटल इन्वेस्टमेंट ये कंपनी में करते हुए दिखेंगे। इसी के चलते सबसे बड़ी मूवमेंट आज की ट्रेडिंग सेशन में आपको आते हुए दिखी है। ओरिमेड एशिया मॉरिशियस यहाँ पे 4.93 करोड़ वारंट्स इनको जारी किए जाएंगे और 365 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है जो कि 74 रुपीज प्रति वारंट पर इश्यू करते हुए दिखेंगे। इंटरेस्टिंग बात है कि ये प्रीमियम पर इश्यू करते हुए दिखेंगे और इसके चलते भी अच्छे गेन्स आते हुए दिखे। अगर आप इनके वैल्यूएशन देखते हैं जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो करीब 3,450 करोड़ के आसपास ये कंपनी को वैल्यू करते हैं। फिलहाल हमने देखा 3,350 करोड़ के आसपास है, तो और भी ज्यादा जो वैल्यू है उनको इस कंपनी में आते हुए दिख रही है। यही नहीं, आप देखिए जो प्रमोटर्स हैं उनको भी 10 लाख वारंट्स इशू किए जाएंगे 74 रुपीज प्रति वारंट के हिसाब से, तो ये पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। ये जो कंपनी है इसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं, बैलेंस शीट काफी मजबूत है। सबसे पहले अगर बैलेंस शीट की बात करें, डेट फ्री कंपनी है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। यही नहीं, 90% इसकी जो आय आती है वो एक्सपोर्ट से आती है, यूएस और यूके इनके सबसे बड़े मार्केट्स हैं। और साथ ही अगर कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास करीब 200 करोड़ का सरप्लस कैश है, यानी कि आने वाले समय में कंपनी इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर सबसे ज़्यादा फोकस करती हुई दिख रही है। यूएस यूके में अपना जो प्रेजेंस है वो लगातार बढ़ाती हुई दिख रही है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि यूएस में इस बार अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी थी, FY21 में 34% तक की ग्रोथ यूएस मार्केट में आई है। आने वाले समय में 3 से 4 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की योजना भी बन रही है यूएस मार्केट में। यूके से भी हमने देखा है अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखी है, करीब 14% तक की ग्रोथ हमने इस साल देखी है। साथ ही 42% तक की इनके जो कंट्रीब्यूशन है वो यूके मार्केट से आता है, 40% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन इनका यूएस मार्केट से आता है। और कंपनी का ये भी कहना है कि आने वाले समय में अपनी जो कैपेसिटी है वो कंपनी एक्सपैंड करती हुई दिखेगी और साथ ही यूएस मार्केट, यूके मार्केट्स और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हर साल 13 से 14 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की कंपनी की योजना बनती हुई दिख रही है। कंपनी लगातार अपने R&D में भी इन्वेस्ट करती हुई दिख रही है और साथ ही जिस तरह से मैंने कहा कि जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है इस पर अब कंपनी फोकस करती हुई दिख रही है अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पर। और इसी के चलते आप देखिए मार्क्सन्स फार्मा अच्छी वैल्यू बन रही है और अब तो दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर फंड यानी कि ओरिमेड एशिया मॉरिशियस भी इसमें इन्वेस्ट करता हुआ दिखेगा। 15 जून को इसी बोर्ड की बैठक है और इसी के चलते आज इतनी बड़ी मूवमेंट आपको मार्क्सन्स फार्मा में आती हुई दिखी थी। संदीप जी, मार्क्सन्स फार्मा पर आपकी राय? देखिए मार्क्सन्स फार्मा तो शायद मालामाल वीकली में भी ये स्टॉक बहुत निचले लेवल्स पे रेकमेंड किया गया था और वेरी फ्रेंकली मैंने इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं किया है, बट ओवरऑल ये न्यूज़ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात होती है इस तरीके का एक बहुत बड़ा फंड आपके उसमें आ रहा है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रखे और आज ऑलरेडी एक सर्किट पे था तो निकलने का तो कोई औचित्य है ही नहीं, सो कंटिन्यू होल्डिंग इट, वैल्यूएशंस के लिहाज से भी बढ़िया है तो कंटिन्यू होल्ड। ओके, तो आईपीओ का बाजार होने वाला है फिर से गर्म, प्राइमरी मार्केट में हलचल बढ़ने वाली, अगले हफ्ते 4 आईपीओ खुलेंगे। डिटेल समझते हैं वरुण। वरुण बताइए आपके पास क्या रिसर्च है आईपीओ को लेकर? देखिए एक बार फिर निवेशकों को प्राइमरी मार्केट में कमाने का मौका मिलेगा क्योंकि फिर से एक बार आईपीओ की लहर आने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में करीब 25 से ज्यादा कंपनियां हैं जो अपना आईपीओ लाएंगी और इस आईपीओ से ये कंपनियां 2 लाख करोड़ के ऊपर जुटाने की योजना बना रही है। केवल LIC और Paytm को देखेंगे तो करीब 1 लाख करोड़ के आसपास तो ये दो कंपनियां मिलकर जुटा लेगी और उसमें से भी LIC का आईपीओ जो है वो सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगले हफ्ते ही 4 कंपनियां हैं जो अपना आईपीओ ला रही हैं और ये 4 कंपनियां करीब 8,000 करोड़ के आसपास जुटाने वाली है इस आईपीओ से। सबसे पहले सोमवार को जो 2 आईपीओ खुलने वाले हैं उसमें देखिए एक तो श्याम मेटालिक्स है जो मेटल स्पेस की कंपनी है और दूसरा सोना BLW प्रेसिशन है जो कि ऑटो स्पेस की कंपनी है और खासकर EV में ये फोकस करती है। श्याम मेटालिक्स 14 तारीख को खुलेगा, 16 तारीख को बंद हो जाएगा। 303 से 306 रुपये का प्राइस बैंड है और ये कंपनी करीब 900 करोड़ के आसपास जुटाने वाली है। सोना BLW प्रेसिशन जो है इसका भी 14 तारीख को खुलेगा, 16 तारीख को आईपीओ बंद हो जाएगा। ये कंपनी 5,550 करोड़ के आसपास जुटाएगी और 285 से 291 का इसका प्राइस बैंड है। अगली कंपनी है डोडला डेयरी, 16 तारीख को इस कंपनी का आईपीओ खुलेगा और 18 तारीख को आईपीओ जो है वो बंद होने वाला है। डेयरी स्पेस की ये कंपनी है, 800 करोड़ के आसपास जुटाने वाली है, 421 से 428 का इस कंपनी का प्राइस बैंड है। और सबसे आखिरी में किम्स हॉस्पिटल,
16 तारीख को इसका भी आईपीओ खुलने वाला है और 18 तारीख को बंद होगा। 700 करोड़ के आसपास जुटाएगी कंपनी, 815 से 825 का प्राइस बैंड रखा गया है। तो ढेरों कंपनी है जो कि आईपीओ लेके आने वाली है और खासकर अगले हफ्ते तो 4 कंपनियां हैं जिनका आईपीओ खुलेगा, तो इसमें आपको पैसा लगाने का काफ़ी बेहतर मौका जो है वो मिलने वाला है। सिर्फ यही नहीं, अगर अभी तक आप देखेंगे ना तो आईपीओ जितनी कंपनियां लाई है उनका प्रदर्शन भी काफ़ी बेहतर रहा है। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, जो हाल ही में इजी ट्रिप प्लानर्स का आईपीओ आया था, आईपीओ से अब तक करीब 135% का आसपास का जंप देखा जा चुका है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक 74%, बारबेक्यू नेशन 67%, रियलटेल 60%, तो तमाम जो आईपीओ अब तक आए हैं उनमें तो इन्वेस्टर्स ने जम के कमाई की है, लेकिन आने वाले दिनों में काफ़ी सारी कंपनी जो अपने आईपीओ लाने वाली है और जिनमें निवेशकों को कमाने का बहुत बेहतरीन मौका मिलने वाला है। बिल्कुल, तो अगले हफ्ते के आने वाले आईपीओस पर पूरी जानकारी हमने समझी, अब आने वाले नतीजों पर भी जरा नजर डालते हैं। मार्च तिमाही में कोल इंडिया का प्रदर्शन कैसा रह सकता है? आशीष आपके पास आ रहे हैं फिर से, कोल इंडिया के नतीजों से अनुमान क्या कह रहे हैं? देखिए, नतीजे कमजोर आएंगे। पिछले साल के मुकाबले कंपनी का मुनाफा जो है वो 25% घटकर 3,457 करोड़ रहने का अनुमान है। तिमाही के दौरान जो ई ऑप्शन प्रीमियम्स है इसमें भी गिरावट आई है, इसके चलते जो मार्जिन्स है इसमें गिरावट बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है। 24.4% से घटकर 19.7% रहेंगे कंपनी के जो एबिटा मार्जिन्स है। कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा, यहाँ पर आपको 21% की गिरावट देखने को मिलेगी। टॉप लाइन बिल्कुल फ्लैट है, लगभग 2% की गिरावट बाजार अनुमान लगा रहा है, लेकिन खास बात यह है कि पावर कंपनी से जो रिसीवेबल्स हैं इसमें क्या सुधार होता है इस पर नजर रहती है। मैनेजमेंट क्षमता विस्तार के ऊपर क्या कमेंट्री देता है इसके ऊपर फोकस करना होगा, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से अगर आप देखें तो नतीजे कमजोर आएंगे। संदीप जी, कोल इंडिया पर आपकी राय, नतीजों से पहले कोई पोजीशन रखी जा सकती है? देखिए, मेरे हिसाब से वैल्यूएशन सस्ते हैं और डिविडेंड यील्ड का स्टॉक और पीएसयू स्टॉक्स बहुत ज्यादा चले हुए नहीं है, और ओवरऑल पावर इंफ्रा ये स्टॉक्स चल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से कोल इंडिया पे बिल्कुल ध्यान दिया जा सकता है। जिन्होंने ले रखा वो कंटिन्यू होल्ड करें। ओके, जिन्होंने ले रखा है कंटिन्यू होल्ड करें कोल इंडिया पर, संदीप जी की राय। आगे बढ़ते हैं टीएन पेट्रो पर। हमारे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे एक एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आए हैं। क्या है रिसर्च, जरा समझते हैं। वरुण, बताएं टीएन पेट्रो पर क्या आपने एक शीट तैयार की है रिसर्च की? देखिए, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स इस कंपनी में हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च है और आने वाले दिनों में उस कंपनी को बड़ा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट है लीनियर अल्कलाइन बेंजीन, जिसको LAB यानी कि लैब के नाम से भी जानते हैं, और पिछले कुछ दिनों में इस कंपनी के इस प्रोडक्ट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, इसके दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। केवल 2.5 महीने में इस प्रोडक्ट के दाम में करीब 25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। ये प्रोडक्ट इस कंपनी के लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कंपनी की कुल आय में से करीब 80% जो है वो केवल इस प्रोडक्ट से आता है। सिर्फ यही नहीं, अगर 1 रुपये भी इस कंपनी के प्रोडक्ट के इस प्रोडक्ट के दाम बढ़ते हैं तो इस कंपनी को करीब 2 रुपये के आसपास का फायदा होता है, यानी कि जितने दाम बढ़ते हैं उसका दुगना फायदा इस कंपनी को इस प्रोडक्ट से होता है। आप पहले FY20 के 9 महीने का प्रदर्शन देख लीजिए, 18% के आसपास इस प्रोडक्ट के दाम बढ़े थे और तब इस कंपनी का मुनाफा जो है उसमें करीब 40% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। सिर्फ यही नहीं, इस कंपनी के पास अगर आप सितंबर तक देखें तो करीब 80 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री है, तो जाहिर सी बात है उसके भी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी इन्वेंट्री की वैल्यू में, तो उसका इंपैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर में खासकर Q1 में देखने मिलेगा, जहां कंपनी के प्रॉफिट में एक तगड़ा जंप देखने मिल सकता है। इनफैक्ट इस क्वार्टर में भी कंपनी के जो नतीजे वो काफ़ी बेहतरीन रह सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप याद रखिए इस प्रोडक्ट के लिए इतनी डिमांड बढ़ क्यों रही है, इतने कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो बढ़ क्यों रही है, क्योंकि देखिए ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल डिटर्जेंट और खासकर सैनिटाइजर में होता है, और आपने देखा कि कोविड के टाइम पे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसे बढ़ी है, उसके चलते कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट के दाम जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली, और ये कंपनी जो है इस प्रोडक्ट में काफ़ी क्षमता विस्तार भी कर रही है। करीब 240 करोड़ के आसपास का खर्च कर रही है पूरे क्षमता विस्तार के लिए, जिसका बड़ा फायदा आगे कंपनी को मिलेगा। कंपनी की पास्ट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है, पिछले 5 साल में आय में 6%, मुनाफे में करीब 28% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो इस कंपनी को लेकर वैसे भी काफ़ी बुलिश है। तो जिस तरह से LAB की कीमतें बढ़ रही है उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है इस कंपनी को आने वाले दिनों में होने वाला है। आइए अब अनिल जी से समझते हैं सोमवार के बाजार पर क्या खास स्ट्रेटजी रहे, बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे और किन अहम लेवल्स को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, 15,675 15,750 मजबूत सपोर्ट के तौर पर सोमवार को आपके लिए आगे ये लेवल नजर आएगा, और ऊपरी स्तरों पर आपके लिए बाजार 15,900 से 16,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है।
ये लेवल तो आपको सोमवार और अगले हफ्ते के लिए दिखेंगे ही, उधर जाने की कोशिश होगी। संकेत आपको ग्लोबल मार्केट से लेने होंगे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स हल्के से हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। कोई बड़ा तेज उतार चढ़ाव होने की उम्मीद अमेरिकी बाजारों से कम थी, तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है। सोमवार को एशिया के काफ़ी बाजार बंद है, तो बहुत ज़्यादा संकेत शायद वहाँ से ना हो, लेकिन डाउ फ्यूचर्स पर नजर आएगी। आज के सेशन में जो तगड़ी खरीदारी होती दिखी और बाजार जो मजबूती के साथ बंद हुए, उसमें देखना है किसका योगदान है। क्या ट्रेडर्स ने खरीदारी की फिर से जोर में आकर, या फिर वाकई में एफआईज और घरेलू फंड की तरफ से भी खरीदारी के आंकड़े आए, ये आपके लिए अगले ट्रिगर का काम करेगा। लेकिन ओवरऑल बाजार मजबूती के मूड में है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी लाइफ टाइम हाई बनाए, वहां पर एक्शन भरपूर है। तो ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन, ट्रेडर्स की तगड़ी एक्शन और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स की स्टेबिलिटी, ये भारतीय बाजारों के लिए अगले हफ्ते के ट्रिगर्स के तौर पर काम करेंगे, तो इन पर रखनी है नज़र। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,700-34,800 के आसपास बैंक निफ्टी मजबूत सपोर्ट लेता दिख रहा है, और 35,400-35,600 की रेंज में हल्की फुल्की रुकावट है, इस रेंज पर आपको रखनी होगी नज़र। तो सोमवार के बाजार पर स्ट्रैटेजी हमने समझी, आइए अब सोमवार को क्या ऑप्शन स्ट्रैटेजी रखे समझते हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान है हमारे साथ। श्रीकांत जी बहुत स्वागत है आपका शो में। अब सोमवार के लिए क्या खास स्ट्रैटेजी आज आप सजेस्ट करेंगे? देखिए ये हफ्ता तो काफी अच्छा रहा मार्केट के लिए, और हमने काफी ब्रॉड बेस एक एक्टिविटी मार्केट में देखी, और हमें लगता है कि आने वाला हफ्ता भी अच्छा रहेगा मार्केट के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो चैलेंजिंग भी रहेगा। शायद हम लोग 16,000-16,200 के लेवल्स भी देख सकते हैं ऐसे लग रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ी ब्रॉड बेस स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। हमें लगता है कि ऑटो, बैंक्स और कुछ इंडेक्स जॉइंट के साथ अगर काम करेंगे तो शायद उसमें मुनाफा मिल सकता है। सबसे पहले यहाँ पे 1300 का जो कॉल ऑप्शन है उसे बाय करना चाहिए, या आउट ऑफ मनी का कॉल ऑप्शन है, लेकिन इसीलिए बाय करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक काफी वॉलेटाइल होता है और काफी अच्छी रनअप लेता है जब रनअप लेता है। तो 1300 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए 15 रुपए में, इसका टारगेट रहेगा 35 रुपए का, और स्टॉप लॉस हमें रखना है 5 रुपए का, @5 रुपीज। साथ ही साथ हमें लगता है इंडसइंड बैंक यहाँ पे काफी दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है, और इस कंसोलिडेशन का एक अच्छा ब्रेकआउट आने वाले हफ्ते में हमें देखने मिल सकता है। इसी वजह से यहाँ पे भी एक आउट ऑफ मनी का कॉल ऑप्शन हमें बाय करना है, वो रहेगा 1060 के स्ट्राइक प्राइस का। तो 1060 के स्ट्राइक प्राइस का इंडसइंड बैंक का कॉल ऑप्शन बाय करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 12 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 40 रुपए के, करंट जो प्राइस है वो है 18 रुपए की। और फाइनली रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहाँ पे AGM है 24 तारीख को, वहां पे हमें लगता है कि एक्शन लगातार रहेगी, 2260 के कॉल ऑप्शंस लेने हैं, और यहाँ पे जो करंट प्राइस है वो है तकरीबन 35-36 रुपए की कॉस्ट प्राइस है, करंट प्राइस है। स्टॉप लॉस हमें रखना है 15 रुपए के करीब का, और हम टारगेट्स रखेंगे 65 रुपए के। बहुत शुक्रिया श्रीकांत जी, आपकी ऑप्शन स्ट्रेटजी आपने सोमवार के लिए बताई दर्शकों को। संदीप जी आपके पास आ रहे हैं, आज आपके लॉन्ग टर्म पिक कौन सी होने वाली है? लॉन्ग टर्म पिक एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी कंपनी, जिसको ऐसा नहीं कि मैंने पहली बार रेकमेंड किया, पहले भी किया निचले स्तरों पे और अभी भी बहुत बढ़िया लेवल्स पे आफ्टर कंसोलिडेशन एंड करेक्शन फ्रॉम द हायर लेवल्स, दैट इज AIA इंजीनियरिंग। AIA इंजीनियरिंग अहमदाबाद इंडक्शन एलॉयज, ये AIA का फुल फॉर्म है, बट यस नाउ अब AIA इंजीनियरिंग का 1979 से ये कंपनी कार्यरत है। एक बेहतरीन क्वालिटी मैनेजमेंट, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, सेकेंड लार्जेस्ट हाई क्रोम कास्टिंग प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली ये क्रोमियम वेयर बनाती है, कोरोजन और एब्रेशन रेजिस्टेंट कास्टिंग्स बनाती है, जो कि सीमेंट में, माइनिंग में, थर्मल पावर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। तो ऐसी टाइप की कंपनियां अभी बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगी, जो कैपिटल गुड्स वाली और इस तरीके की कंपनियां हैं। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द कंपनी, जिस तरीके की पेडिग्री और 11 सब्सिडियरीज के थ्रू कंपनी ऑपरेट करती है, करीब 75 कंट्रीज में कंपनी की सर्विसेज एंड सेल्स होती है। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश। और दूसरा, मैं देख रहा था काफी स्टेडी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रहा ड्यूरिंग द टफ टाइम्स ऑल्सो, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंटली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17-18 के लगभग है, डिविडेंड यील्ड 1.38 के लगभग है, और मैं होल्डिंग देख रहा था, शेयर होल्डिंग पैटर्न तो वो बहुत ही इंप्रेसिव था। सबसे इंपॉर्टेंट है आप देखिए FIIs, DIIs करीब 38-39% के लगभग ओन करते हैं, 58% ओनर्स की है, प्रोमोटर्स की, और सिर्फ 2.88 पब्लिक के हाथ में है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि आराम से आने वाले दिनों में 2230-2250 के टारगेट्स छू के दिखाएगा।
लॉन्ग टर्म नजरिया AIA इंजीनियरिंग में रखने की सलाह संदीप जैन की। बहुत शुक्रिया संदीप जी, आज आप शो में शामिल हुए, साथ ही तमाम हमारे सहयोगियों का भी धन्यवाद हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। आज के लिए शो में बस इतना ही।